नारा एस आर कंपनी पहले थी ना, जो रेड कलर के पेट्रोल पंप हुआ करते थे। अच्छा, SRESSAR करके पेट्रोल पंप था, अब उन्होंने नायरा बना दिया है। अच्छा, ये भी प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी है, बट तेल इनका अच्छा रहता है, क्वांटिटी भी आपको एक्यूरेट मिलेगा, जितना लोगे एक्यूरेसी इनका बहुत अच्छा रहता है। नायरा और रिलायंस दो ही कंपनियों का मैं फैन हुआ ही। जैसे SP हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, बाकी जो और भारत के हो गए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बोल ही दिया आपको, तो इसमें सब में क्या है ना, मुझे कहीं ना कहीं से यार वो इंडिविजुअल का जो कंपनी होता है उनका खुद का पेट्रोल पंप होता है, तो एक लीटर पेट्रोल पे करीब वो 4 रुपये पाते हैं, 3 रुपया 85 पैसे के आसपास से उनको मिलता है, समझिए, तो मान लो 4 रुपये मान के चलते हैं, तो कहीं ना कहीं से चांसेस रहता है चोरी करने के लिए। इन कंपनियों को भी उतना ही पैसा मिलता है, लेकिन उन कंपनियों के ऑनर यहाँ नहीं बैठते हैं, उनके कहीं ना कहीं ये वर्कर होते हैं, उनके मैनेजर होते हैं, और जो इनका पैसा ऑनलाइन डिजिटली उसके अकाउंट में चला जाता है, तो इनको कोई लेना देना नहीं है, इसलिए थोड़ा सा चोरी कम करता है। बाकी लोग क्या करते हैं, हर तरीके की सेटिंग करा के रखे हैं जो लोकल पेट्रोल पंप के मालिक होते हैं, तो वहाँ पे तेल की चोरी होती है। मैं किसी को पहले एलिगेशन ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैक्सिमम जहाँ तक देखता हूँ ना, जब मैं अपने कार के पेट्रोल पंप का टंकी फुल करता हूँ, 48 लीटर की टंकी है, जब मैं इसको नया नया खरीदा तो 10 लीटर तो कंपनी देती है, बोला ठीक है 10 लीटर में तो मैं दे रहा हूँ, वो डाल दिया, फिर ऊपर से 50 लीटर एक्स्ट्रा डाल दिया, मतलब 48 लीटर के टंकी में 60 लीटर तेल डाल दिया उसने। और जबकि जब वहाँ से ड्राइव करके 5-6 किलोमीटर गया था तो पहले से 5 लीटर डलाया हुआ था, मतलब 65 लीटर, 48 लीटर टंकी में 65 लीटर तेल डाल दिया उसने, और आर्ग्यू अलग से कर रहा है वो, नहीं आपको पता नहीं है, आप तो नया अभी लेके आए हो। मैंने उनसे बोला भाई ये तो मैं छठा सता कार लिया हूँ, मैं 25 साल से कार चला रहा हूँ, मैं 5वीं क्लास में था तब से कार चलाता हूँ, लेकिन लोग वही है जिद है अपना लोकल दादागिरी, अब पेट्रोल पंप किसी लोकल आदमी का तो होता नहीं है, पैसे वालों को होता है, उनसे कहाँ लड़के जाओगे, हम भी चुपचाप चले आए। पेट्रोल पंप वाले ने 60 लीटर डाल दिया, 65 लीटर मान लो डाल दिया एक प्रकार से, 60 तो मेरे सामने डाला, 48 लीटर टंकी है, वही बोल रहा हूँ कि जब मैं पेट्रोल पंप इसमें जब फिल कराता हूँ ना, जब मैं रिलायंस पे डलाता हूँ तो मेरा 34 लीटर 30 लीटर में आ जाता है फुल, लेकिन वही चीज़ दूसरे में डालता हूँ 40 लीटर आता है, क्योंकि सेम इंडिकेशन का रहता है ना कि 2 खोटी बची है, 3 खोटी बची है, नीचे जो रहता है ना पॉइंट, 3 पॉइंट बचा है, 2 पॉइंट बचा है, सेम पे कहाँ 34 भर रहा है, कहाँ 40 भर रहा है। जबरदस्त था स्कूल, क्या है, द टाउन स्कूल, टाउन स्कूल, स्कूल तो है, रेसिडेंशियल स्कूल होगा मुझे लगता है। एजुकेशन की बिल्डिंगें यहाँ पे तगड़ी तगड़ी खड़ी हैं, लेकिन यहाँ पे एजुकेशन दे रहा है क्या लोगों को, बच्चों को, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं यहाँ कहीं कहीं से, बच्चे इधर उधर भड़क रहे हैं, कहीं कहीं मिसगाइड हो रहे हैं। और एक ये देखिए सुंदर सा मंदिर, हाँ यार ये बहुत अच्छा सा स्तूप जैसा लग रहा है ना, ये जैन मंदिर या इस तरह का कुछ लग रहा है, जैन मंदिर ही है सही। हाँ, हाँ। जैसे बुद्ध का होता है। हाँ, ये जैन लोगों का मंदिर है, आदिश्वर धाम जितवाल।